तुम अपने जिंदगी में जो भी पाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, यह तीन बातों का जब मैंने अपना चिंतन किया तो मुझे लगा अगर तुम अपने जिंदगी में कहीं पहुंचना चाहते हो तीन बातों पर निर्भर। पहला, तुम कैसे किताबें पढ़ते हो। दूसरा, कैसे संगत में रहते हो, तुम्हारा कंपनी कैसा है। और तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसी आदतें अपनाते हो। अब चलो थोड़ा इसको इलाबोरेट करते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान से सुनना, 5-7 साल के बाद तुमको एहसास होगा, 5-7 साल के बाद अगर तुम कहीं पहुंचना चाहते हो तो जो तीन बातें याद रखो। पहला, मैंने कहा कि कैसी किताबें पढ़ते हो। किताब का मतलब ये नहीं है कि कोर्स की किताब है, कोर्स की किताब जरूरी है ही, इसके अलावा तुम्हारे जिंदगी को बदलने के लिए बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला, मैं कुछ किताबें का एग्जांपल बता रहा हूं। अगर तुम धनी बनना चाहते हो, पैसे का जो मैथमेटिक्स है, पैसे का जो गणित है, इसके लिए वर्ल्ड में सबसे फेमस बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी का ये बुक है। अगर तुम चाहते हो सोसाइटी में लोग तुमको समझे, बुझे, तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारे पर्सनालिटी में इंक्रीज हो, तो एक डेल कार्नेगी का किताब हाउ टू विन ए फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल, इसको पढ़ो। अगर तुम अपनी आदतें को सुधार करना चाहते हो, द पावर ऑफ हैबिट्स, एटॉमिक हैबिट्स करके बहुत ही जेम्स क्लियर का बहुत ही शानदार बुक, द 12 रूल्स ऑफ लाइफ, ये भी पढ़ सकते हो। अरे महात्मा गांधी को पढ़ो, नेल्सन मंडेला को पढ़ो, गौतम बुद्ध को पढ़ो। अरे अगर कुछ नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम भागवत गीता तो पढ़ो, दुनिया में लोगों से बचना चाहते हो तो चाणक्य नीति को पढ़ो, कुछ तो पढ़ो जितना जल्दी हो सके। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तुम लोगों ने जो अपना एडमिशन कराया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो तुम्हारी पढ़ाई चलती है दिन रात रातों रात, जितना जल्दी हो सको उस यूनिवर्सिटी से अपना नाम कटवा लो। नहीं तो मैं कहता हूं घंटों तुम सुबह उठते हो, रात में घंटों मोबाइल का रील्स देखते हो, कुछ किताबें पढ़ो, 5-10 साल के बाद देखना तुम अपनी जिंदगी में कितना क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते। किताब तुम्हारे जिंदगी के ईच एंड एवरी स्टेप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ऑलवेज इसको याद रखो। दूसरा, संगत की बात मैंने कहा, किस कंपनी में तुम रहते हो। एक संस्कृत में उखान है, कहावत है, संगत से गुण होते हैं, संगत से अवगुण। तुम्हारा कंपनी 10 साल के बाद तुम कहां रहोगे ये बताएगा। कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। अगर तुम क्लासरूम में तुम जिसके साथ बैठते हो वहीं से उठाते हैं एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा जो बेंच पर बैठा हुआ पार्टनर देखना क्लास में फुसुर फुसुर करेगा तो तुम्हारा भी माइंड डिस्ट्रक्ट होगा। अगर उसी के बदले अगर कोई दूसरा तुम्हारा पार्टनर है जो कंसंट्रेट होकर टीचर की बात सुनता है, टीचर की बातों को ध्यान से नोट करता है, एक दिन दो दिन तुम में ये आदत आनी शुरू हो जाएगी। अगर तुम्हारा रूम पार्टनर जिस घर में रहते हो वो हमेशा सोने वाला है, न चाहते हुए भी तुमको नींद लग जाएगा, वहीं दूसरी तरफ अगर तुम्हारा रूम पार्टनर एक्टिव है, समय पर जगता है, तुमको भी जगाता है, एक दिन दो दिन एक हफ्ता एक महीने के बाद तुम में क्या परिवर्तन होगा तुमको पता है। ऑफिस में भी अगर कोई काम करता है, अगर कोई कर्मचारी है जो देहचोट प्रवृत्ति का काम से भागता है, लेट ऑफिस आता है, तो उसका जो साथी होगा वो धीरे धीरे उसमें भी ये नकल करने की प्रवृत्ति आए, उसका उल्टा करते हैं। अगर वहीं तुम्हारा कलीग्स अगर एक्टिव है, समय पर अपना प्रोजेक्ट को पूरा करता है, समय पर अपना कोर्स कंप्लीट करता है,
तो तुम भी अगर उसके संगत में हो, तुम भी उसकी कंपनी में हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारे अंदर भी आदतें आने शुरू हो जाए। तो संगत का असर, एक छोटा सा डेमो से मैं इसको समझा रहा हूं, थोड़ा ज्यादा एलिबरेट कर रहा हूं। एक चाय की कीमत, अगर तुम किसी झोपड़पट्टी में चाय पीने जाते हो, उसी चाय का कीमत 15 से 20 रुपया है। थोड़ा उससे ऊपर जाओ, किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, उसी एक कप चाय की कीमत 30 से 50 रुपया। थोड़ा और ऊपर जाते हो 3 स्टार में 100 रुपया, 5 स्टार 200 से 500, 7 स्टार 700 से 1000 रुपया। चाय तो वही है ना, चाय ने अपना स्थान बदला, चाय ने अपना स्थान बदला और उस स्थान से उसकी कीमत का डिटर्मिनेशन होता। तो संगत अपना, 10 साल के बाद तुम अपनी संगत को। तीसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आदतें, कैसी आदतें अपनाते हो, हैबिट्स। हैबिट्स के बारे में कहा गया, हैबिट्स है क्या, जो हम रेगुलर करते हैं, जो हम अपने डेली रूटीन में जो काम कर, वह हैबिट्स है। सबको पता है एक दिन पढ़ने से, एक हफ्ता पढ़ने से तुम्हारा कोई एग्जाम क्रैक नहीं होगा। 2 साल रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, इसकी आदत डालनी पड़ेगी, सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं कोई ज्ञान की बातें, कोई बहुत बड़ा बातें नहीं बता रहा, छोटी बातें बता रहा हूं। सबको पता है पढ़ने से ही एग्जाम पास होगा, पढ़ने से ही मेडिकल इंजीनियरिंग में नाम निकलेगा, नहीं पढ़ेंगे नहीं निकलेगा। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, सबको पता है। क्या पता होने से सब कुछ होता है? सबको पता है एक सेव खाने से, कहा भी गया है एक सेव रोज खाओ डॉक्टर को दूर भगाओ, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, बचपन में पढ़ाया गया। क्या खाते हैं हम लोग को तो ऐसी आदत हो गई है, मार्केट में जाते हैं तो फ्लेवर पसंद करते हैं, ऑरेंज फ्लेवर, ऑरेंज खाने में शर्म लगता है, आदत देखो। मैंगो के जगह पर मजा पिएंगे, मैंगो खाने में शर्म लगता है, लीची फ्लेवर हमको दीजिए, लीची फ्लेवर, लीची खाने में शर्म लगता है। आदत की बात बता रहा, बचपन से जो तुम्हारी आदत है, आजकल पार्टी का जमाना है, बार बार पर बर्थडे पार्टी, थोड़ा बजुर्ग है तो एनिवर्सरी का पार्टी, और बाकी तो बिना काम का पार्टी चलते रहता है। पार्टी में बड़ा सा खंभा लेकर आता, हमारे एक सर है वो खंभा नाम दिया, अरे खंभा नहीं ला सकते, बड़ा बड़ा 2 लीटर 2.5 लीटर का फैमिली पैक, कभी सोचा है उस फैमिली पैक? कभी ये क्यों नहीं सोचा जब उसके जगह पर हम आज कुछ नया इनिशिएशन करते हैं? आदत की मैं बता देता हूँ, सबको पता है कि ये सारे हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, कोल्ड ड्रिंक्स से लेकर जो इतने भी अल्कोहल टाइप्स के हैं, सबको पता है मॉर्निंग वॉक करने के फायदे क्या है, सबको पता है योगा करने से फायदे क्या है, सबको पता है प्राणायाम करने से फायदे क्या है, सबको पता है फिजिकल एक्सरसाइज करने से। क्या पता होने से कुछ होता है? कुछ नहीं होता, उसको करना पड़ता, अपने ऊपर लागू करना पड़ता। अगर तुम अपनी आदतें नहीं बदलो, तुम जो चाहते हो उसको पाने के लिए अपनी आदतों को रिपीट करना पड़ेगा। आदतें दुधारी तलवार कहा गया, अगर तुम में अच्छी आदतें आ गई तो जिंदगी कहां से कहां पहुंच जाएगा, अगर दूसरी तरफ बुरी आदतें आ गई तो गर्त में चलेगा। तो आदत, हैबिट्स को अपना, 10 साल के बाद अगर कहीं पहुंचोगे, अगर बीच में अगर नहीं सुधारे तो मैं एक नॉर्मल बातें बता, कोई बहुत बड़ा मैं रॉकेट नहीं बता। तुम अगर 2 रुपया पर डे बचाते हो तो कोई जरूरी नहीं तुम करोड़पति हो जाओ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं भविष्य में तुम आर्थिक रूप से कष्ट में नहीं रहोगे। मैं जानता हूं करोड़पति नहीं बन पाओगे, 2 पेज पढ़ने से तुम विद्वान नहीं पढ़ोगे, लेकिन 2 पेज रोज एक्स्ट्रा पढ़ने से एक न एक दिन तुम्हारे अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन है। चलो एक मैं तुमको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, घर पर जाकर कर,
वन हैबिट वन वीक, ज्यादा नहीं, एक हफ्ता में एक आदत चेंज करना है, क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्या ये इम्पॉसिबल? मैं तो कहता हूं रोज एक हैबिट चेंज, अगर नहीं हो सकता तो हफ्ता में वन वीक वन हैबिट, वन मंथ कितना हुआ, एक साल में कितने वीक्स होते हैं? सोचा है एक साल के बाद तुम्हारे अंदर 52 हैबिट्स, ज्यादा नहीं, हफ्ता में बस से चेंज कर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत इंपॉसिबल काम नहीं, छोटी छोटी आदतें चेंज करो। किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए, किसी भी सफर को क्रॉस करने के लिए, किसी भी सफर में अच्छे मुकाम तक पहुंचने के, सब लोग सफल होना चाहता है, कोई असफल होना नहीं चाहता, सब लोग लक्ष्य भी बनाता है, मेरा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, सब अपने अपने लक्ष्य में लगा हुआ। तुम्हारा लक्ष्य है कैसे मेरा मेडिकल इंजीनियरिंग में हो जाए, उसके बाद बेहतर रहे। मैं आज एक नई बात बता रहा हूं, लक्ष्य के पीछे मत भागो, ध्यान से सुनना, लक्ष्य के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, लक्ष्य तुम्हारे जिंदगी में उतना कुछ नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं सिस्टम बना, सिस्टम चेंज करो। अब पूछेगा लक्ष्य और सिस्टम में क्या अंतर है, चलो एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करते हैं। मान लो तुम्हारे आज अंदर आज ऊर्जा आया, तुम्हारा रूम बहुत गंदा है, तुमने एक लक्ष्य टारगेट किया, आज मैं अपने रूम को साफ करूंगा, तुम्हारे अंदर हीलियम गैस भरा, पूरा ऊर्जा आया और तुम लंगोट कसे और भीड़ गैस सफाई कर, वेरी गुड, दिन भर सफाई किया, शाम तक तुम्हारा रूम नीट एंड क्लीन, तुम्हारा लक्ष्य तो पूर्ति हो गया। अगर तुम्हारे अंदर वही भूअर्पण की आदत रही, आज तुम्हारे अंदर हीलियम गैस भरा था, तुमने लक्ष्य की प्राप्ति की, लक्ष्य के प्राप्ति के बाद तुम फिर निष्क्रिय हो गया ना। लक्ष्य का मतलब है खेल जीतना, सिस्टम का मतलब है जिंदगी भर खेल को खेलते रहना, तुमको जिंदगी भर खेल को खेलते रहना, अपने अंदर इतना परिवर्तन लाना, इतना परिवर्तन लाना जो तुम्हारा किसी एक टारगेट पर नहीं पहुंचना, एक टारगेट पर पहुंचे उसके बाद अनगिनत टारगेट को फिक्स करो, एक टारगेट पर पहुंचने के बाद आदमी इनएक्टिव हो जाता है, जिंदगी में एक टारगेट नहीं, एक लक्ष्य नहीं, लक्ष्य को छोड़ो, सिस्टम को चेंज करो, ऐसा हैबिट्स बनाओ, स्वचालित उसको कहते हैं हैबिट्स, आदतन। पता है दुर्योधन से पूछा गया, कृष्ण जब उससे पूछे अरे तुमको पता है ये सब अनर्थ कर रहा है, ये सब गलत है, तुम पांडव पर अत्याचार कर रहे, आखिर करते क्यों? कृष्ण ने जब दुर्योधन से पूछा तो दुर्योधन ने जवाब दिया मुझको भी पता है ये सब गलत है, सब अत्याचार है, अनर्थ है, मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूं, पता नहीं मेरे अंदर ऐसी कौन सी ताकत है जो मुझसे करवाती है, मुझे एहसास ही नहीं होता। अच्छी आदत नहीं अपनाओगे तो बुरी आदत अपनाने का ऑटोमेटिक सिस्टम है। तुम नहीं पढ़ते हो तो सोने के लिए आदत थोड़ा डालना पड़ेगा, तो सो तो सोया ही है ना, तो अच्छी आदतें नहीं अपनाओगे तो निगेटिव आदतें, बुरी आदतें स्वतः आ जाती, तो अच्छी आदतें अपनाने का। और एक और लाइन मोटिवेशन की, तुम लोग अगर तुमको मोटिवेशन चाहिए तो एक सिंपल फॉर्मूला बता रहा, अपने घर में अपने पेरेंट्स को देखो, अपने परिवार के हालत को देखो, पिता के माथे पर जो पसीना है, वो जो खेत में काम करता है, अभी लोग आए थे तो गेहूं कटेगा तो पैसा लाकर देंगे सर, कहां से पैसा लाते हैं, उस पिता को देखो, उस माँ को देखो जो अपने लिए कपड़ा नहीं खरीदती है लेकिन तुम्हारे ड्रेस पर एक्सपेंस करती है, क्यों करती है, जो उसका बच्चा बेहतर हो, अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार मोटिवेशन अपने परिवार से लो, घर जाना पेरेंट्स को देखना, माँ बाप को देखना, अपनी ग्रैंडफादर को देखना, घर की कंडीशन को देखना, घर में जो सामान है उसको देखना, और अपने आप के बारे में सोचना कि हम क्या कर रहे हैं, एक बार सोचना जरूर, चिंतन करना जो मेरे परिवार की हालत है, वहीं से तुमको मोटिवेशन मिलेगा, कोई वीडियो कोई टीचर तुमको मोटिवेट नहीं करेगा, तुमको खुद मोटिवेट होना है, कहां से, अपने परिवार से। याद रखना कुछ बातें हैं।